जय हिंद, आप देख रहे हैं सीएन सीसीटीवी न्यूज में वैभवी भावसर आपके साथ। गुजरात कच्छ के नखत्राणा तहसील के नानियरल गांव समीप 18 दिन पहले सीएनजी मारुति वैन में अचानक आग लग गई, जिसमें 3 बच्चों की मौत हो गई थी और 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस घटना में सरकार ने 17 लाख रुपए की सहायता पीड़ित परिवार को दी है। मृतकों को 6 लाख और घायलों को 11 लाख मिलकर कुल 17 लाख का मुआवजा पीड़ित परिवार को दिया गया है। इस रकम के चेक देते समय राज्य मंत्री वासन भाई आहिर, सांसद विनोद भाई चावड़ा, कच्छ भाजपा प्रमुख केशुभाई पटेल, अधिक कलेक्टर कुलदीप सिंह झाला और नखत्राणा मामलतदार एपी ठक्कर उपस्थित थे। कच्छ से संवाददाता कौशिक छाया की यह खास रिपोर्ट। एक अकस्मात थे तो पारल गाम ने अपना बधा ज स्वजनों हता, एमां 3 लोग मृत्यु पाम्या हता, जे परिवारना मोभीओ हता, અને બાકી 11 જણાને નાની મોટી ઈજાઓ થઈ હતી। એ વખતે પણ આપણા કલેક્ટરશ્રી, આપણા સાંસદ વિનોદભાઈ, કેશુભાઈ, આખી ટીમે હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી, હું પણ ત્યાં ગયો હતો અને એ વખતે બધા જ લોકોને અમે આશ્વાસન આપ્યું હતું કે રાજ્ય સરકારમાં જેમ બને તેમ ઝડપથી આ રાજ્યના જનપ્રિય મુખ્યમંત્રી આદરણીય વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબ સંવેદનશીલ છે એની અનુભૂતિ તાત્કાલિક અમે કરાવશું અને એના અનુસંધાને આજે 3 લોકો જે